एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर श्रृंगार। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शैम्पू के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मॉनसून सीजन के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उपयोगी है। और इसे मैंने भी खुद ट्राई किया है और मैं खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बतलाऊंगी। तथा मैं एक बात और बोल दूं कि मैं जेन्युइन रिव्यू ही देना चाहती हूं अपने चैनल पर, क्योंकि जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं या फिर किसी भी चैनल से जुड़ते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए वो जुड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस भरोसे को हमेशा बरकरार रखूँ, और अगर कुछ अच्छा है तो मैं उसे अच्छा भी बोलती हूँ, और अगर कुछ मुझे बुरा लगता है तो मैं उसे बेझिझक बुरा भी बोल देती हूँ। क्योंकि मुझे अगर लगता है कि मैं अगर जब तक जेन्युइन रिव्यू नहीं दूंगी तो लोग, कोई भी लोग मुझ पर क्यों भरोसा करेंगे। तो इसलिए मैं एकदम सही बोलूंगी जो भी बोलूंगी, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखलाऊंगी सभी मैंने खुद से खरीदे हैं, खुद से परचेज किए हैं, और एक भी प्रोडक्ट पेड प्रोडक्ट या फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है इसमें, इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपको भी बालों की समस्याएं हैं और आप भी टेंशन में रहती हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें कौन सा ना करें, तो इसके लिए मैं आप लोगों को अभी कुछ शैम्पू रिकमेंड करूंगी। और चलिए हम लोग वीडियो की तरफ अब चलते हैं, और इसके सभी शैम्पूज़ के इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हिमालया के जेंटल डेली केयर प्रोटीन शैम्पू का। ये विथ चिकपी है और ये आपके हेयर को हेल्दी रखेगा। 400 ml की क्वांटिटी का ये पैकेट है, 230 rupees प्राइस है इसकी, और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 years की। और ये जो शैम्पू है ना, इसमें चिकपी मिला हुआ है, लिकोराइस मिला हुआ है, आंवला है इसमें मिला हुआ, और जितने भी प्रोडक्ट मीन्स मिले हुए हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं मीन्स इंग्रेडिएंट्स जितने भी मिले हुए हैं सारे इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। और ये बालों को सही में पोषण देता है। मीन्स अगर आपके बाल नॉर्मल है, मीन्स ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बाल आपके रफ नहीं है, मीन्स वाइली है अगर, तो भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। मेरे नॉर्मल हेयर हैं और मैं इसका यूज़ जब तक की हूँ तब तक मेरे एक भी बाल नहीं टूटे हैं। ये मैं 100% रिकमेंड करना चाहूँगी सभी के लिए। ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए सही है, और जिनके बाल रूखे हो जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ रहती है कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ। उसके बाद है ये वाटिका का मोरक्कन ऑर्गेन ऑयल शैम्पू, मॉइस्चराइज एंड स्मूथ। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है, 300 ml की क्वांटिटी में है, नो पाराबेंस, नो सल्फेट, नो सिलिकन्स, और इसकी प्राइस है 449 rupees, और ये मुझे ऑफर प्राइस में मिला है, तो ये शायद 300 समथिंग में मुझे मिल गया था। और सभी शैम्पू को मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया है, ऑफलाइन का शायद एक या दो शैम्पू होगा। इसकी पैकेजिंग देख लीजिए कितनी अच्छी है, इस तरह से है, और ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक का बॉटल है, कांच का बॉटल नहीं है। और ये वाला शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसे मीन्स जितने भी शैम्पू हैं सभी को अपने आँखों से दूर रखना है, आपको आँखों के कॉन्टैक्ट में आपको नहीं आने देना है। और ये जो शैम्पू है ममा अर्थ का है, ओनियन शैम्पू विद ओनियन एंड प्लांट कैरेटीन के साथ है, पाराबिन एंड SLS फ्री शैम्पू है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, 250 ml की क्वांटिटी में है, प्राइस है इसकी 349 rupees, और ये मुझे ऑनलाइन मिला था 300 में। और ये शैम्पू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे भी रिकमेंड करना चाहूँगी। इस शैम्पू को मैं लगाई हूँ और ये शैम्पू का भी काम करता है, कंडीशनर का भी काम करता है, और इसे लगाने पर वाकई में मेरे बाल बिल्कुल नहीं टूटे थे, बिल्कुल नहीं झड़े थे। तो इसे मैं फिर से मंगवाने वाली हूँ। इस बार मैं ओनियन शैम्पू नहीं, मैं सोच रही हूँ कि दूसरा सर्च करके देखूँगी और कौन कौन सा शैम्पू है, तो इसके मैं 2 फाइल और मंगवाऊँगी मामा अर्थ के शैम्पू को, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये ट्रस्टेड प्रोडक्ट लगा मुझे।
उसके बाद है द मॉम्स को का बेबी शैम्पू। ये बेबीज़ के लिए है बट मैंने इसे खुद भी यूज़ किया क्योंकि मैं बेबी प्रोडक्ट भी यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं बेबी क्रीम भी लगाती हूँ, मैं बेबी शैम्पू भी लगाती हूँ, मैं बेबी ऑयल भी लगाती हूँ। तो मुझे बेबी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह नहीं रहता है, पैराबिन फ्री रहता है, इसलिए मुझे बेबी प्रोडक्ट यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। और ये विद ऑर्गेनिक आर्गन एंड ऑर्गेनिक मोरिंगा ऑयल्स से मिलके बना हुआ है। 200 ml की क्वांटिटी में है, टीयर फ्री है, सोप फ्री है और इसके प्राइस है 393। बट इसे भी मैंने यूज़ किया, बट इसे यूज़ करने मीन्स अभी मैं यूज़ कर रही हूँ दूसरा शैम्पू, और इससे मीन्स अभी से 10 दिन पहले तक मैं इसका यूज़ की हूँ, तो इससे मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। यस, मुझे इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मीन्स मेरे बाल एकदम नहीं झड़ रहे थे, एकदम नहीं टूट रहे थे, लेकिन मेरे बाल थोड़े मोड़े टूटना शुरू हो गए, थोड़े से टूटना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि बेबी प्रोडक्ट वगैरह में बेबी के लायक ही चीज़ रहता है कि उसके बाल ना झड़ें, लेकिन मेरे बाल इससे टूटे हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि अगर बेबी के लिए लेना है तभी आप लीजिएगा, अपने लिए लेना है तो छोटा फाइल लेके एक बार देख लीजिएगा कि कैसा रहता है, तभी बड़ा फाइल यूज़ कीजिएगा। उसके बाद है बायोटिक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो ग्रीन एप्पल शैम्पू, जो कि जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। और इस शैम्पू को मैंने यूज़ किया है, 155 rupees इसकी प्राइस है और 180 ml की क्वांटिटी में है ये। और ये फॉर ऑयली हेयर एंड ऑयली स्किन के लिए है, और ये भी 100% बहुत ज़्यादा अच्छा शैम्पू है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, मीन्स क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद शैम्पू है ये। इसे अगर आप नहीं यूज़ की हैं बायोटिक के शैम्पू को, तो आप बायो ग्रीन एप्पल शैम्पू एक बार यूज़ करके देखिएगा, मुझे तो सूट किया है। आप भी अगर देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप चाहती हैं कि आप ट्राई कर रही हैं, ट्राई करना चाहती हैं कि कैसा है, तो आप उसका छोटा फाइल एक बार यूज़ कीजिए। आई थिंक मुझे लगा कि इसका छोटा फाइल शायद यही था, मीन्स इससे बड़े बड़े फाइल्स भी थे उपलब्ध, 400 ग्राम्स के भी थे, लेकिन मैंने इसे परचेस किया था, ये शायद छोटा फाइल था तो मैंने इसे लिया था। मैं जब लिंक दूंगी तो शायद उसमें होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे ये ब्यूटी साइट्स के साथ साथ इसके जो साइट्स हैं बायोटिक के, उस पर भी ये उपलब्ध आपको मिल जाएगा। उसके बाद है हिमालय का जेंटल बेबी शैम्पू, जो कि फ्री फ्रॉम पैराबेंस, फ्री फ्रॉम SLS, SLES, फ्री फ्रॉम सिंथेटिक कलर है, और हिबिस्कस एंड चिक पी से मिलकर बना हुआ है, जेंटल सेफ है, रिसर्च किया हुआ है, क्लिनिकली टेस्टेड है। और मेरे हाथ में जो फाइल है वो है 400 ml की फाइल, इसकी प्राइस है 300 rupees और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 years की। तो ये वाला शैम्पू भी 100% ट्रस्टेड है, आप इसका भी यूज़ खुद के लिए भी कर सकती हैं, बेबी के लिए तो कर ही सकती हैं, स्वयं के लिए भी कर सकती हैं, खुद भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं, मीन्स बहुत 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 अच्छा शैम्पू है ये। उसके बाद है बायोटिक का एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो केल प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, ये भी 180 ml की क्वांटिटी में है, और ये हेयर ग्रोथ के लिए है, प्रोटीन शैम्पू है बायोटिक का। तो इसे भी हमने अभी परचेस किया है, ये 155 rupees का है और 100% आयुर्वेदिक है। और अगर आप प्रोटीन शैम्पू का यूज़ करना चाहती हैं जो कि हर्बल हो, जिसमें कि केमिकल ना हो और SLS फ्री हो, SLES फ्री हो, तो वैसे शैम्पू में मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। उसके बाद है हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जो कि भृंगराज के साथ है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, खास कर ये हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, मेक्स हेयर हेल्दी होगा आपका हेयर, क्योंकि इसमें मिला हुआ है पलाश और भृंगराज। और ये जो मेरे हाथ में फाइल है ये 200 ml की फाइल है और इसकी प्राइस है 130 rupees, और
ये भी 100% हर्बल प्रोडक्ट है, 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो आप इसके साथ भी जा सकती हैं। लास्ट जो शैम्पू है वो है कैटोकोनाजोल शैम्पू, डैनवीन शैम्पू। तो ये जो शैम्पू है ना, ये है मेन और वुमेन के लिए। अगर आपके बालों में इचिंग हो रही है, स्कैल्प में इचिंग हो रही है, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारे शैम्पूज के बारे में बात की। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज का वीडियो आप सभी ने देखा, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।